मॉक टेस्ट नहीं देते क्योंकि डर लगता है। अरे तुमको डर लगता है क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं देते। भाई तुम्हारी जिंदगी ना एक लूप में फंस चुकी है। तुम लोग क्योंकि एग्जाम हॉल में जाने में बहुत प्रेशर फील होता है, डर लगता है ना, पेट में कुछ कुछ होने लगता है, स्ट्रेस फील होता है, इस चक्कर में तुमने मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया या फिर बहुत कम देते हो। और तुम्हारा जो मॉक टेस्ट का डर है ना एग्जैक्टली इसीलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि तुम उसको नहीं दे रहे हो यार। तो यार इस वीडियो में अपन यही बात करने वाले हैं क्योंकि भाई नीट और जेई दोनों की डेट्स अनाउंस हो गई है। जेई मेन तुम्हारा जनवरी अप्रैल में हो रहा है, नीट मई में हो रहा है, उसका फिर एडवांस भी होने वाला है। तो भाई एग्जाम टाइम है और हम चाहते हैं कि जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो अपना पेपर कॉन्फिडेंटली दे पाए और कामली दे पाए ना। देखो एग्जाम में नंबर लाने की दो चीजें यहाँ पे ना, दो फैक्टर मैटर करते हैं। एक तो तुमने कितनी पढ़ाई करी है, वो तो अब तुमने जो करी है और तुम कर रहे हो, है ना, उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात नहीं करने वाले ना। दूसरा जो फैक्टर है कि भाई तुम एग्जाम हॉल में किस कॉन्फिडेंस के साथ कितने कामली, तुम जो स्ट्रेटेजी एग्जाम हॉल में फॉलो करने वाले हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो एग्जैक्टली अपन उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये तो सभी जानते हैं, ये आई थिंक हर एक ने फील करा होगा, अगर तुम घबराए हुए हो, तुम नेगेटिव सोच रहे हो, तुम्हें पसीने छूट रहे हैं, तो तुम्हारे आते हुए क्वेश्चन चले जाते हैं। और वहीं जिस दिन कॉन्फिडेंस तगड़ा होता है ना यार, जो क्वेश्चन ना बहुत डिफिकल्ट होता है या फिर जिस तरह के क्वेश्चन तुम यूजुअली नहीं कर पाते वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। और हमको यार इसी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में घुसना है ना। तो देखो ऐसा होता है ना कि यार जो 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 डर फील हो रहा है ना एग्जाम हॉल के लिए, है ना, एग्जाम देने से या एग्जाम में जाने से, वो बहुत नेचुरल सी चीज़ है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फील इट। इंडीड जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होती है उनको भी डर फील होता है यार, है ना, होगा भी ना यार क्योंकि ये एक एग्जाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम अपने कॉन्शियस एफर्ट से, है ना, इस चीज को मान के कि हमको ऐसा फील हो रहा है और कुछ सर्टेन स्टेप्स लें तो हम इसको डेफिनेटली रिजॉल्व कर सकते हैं। होता क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना रोते रहते हैं कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बट दे डू नॉट एक्चुअली टेक एनी कॉन्क्रीट स्टेप्स। तो बस मैं यही बताने वाला हूं ये पांच स्टेप्स तुमको फॉलो करनी है। आसान है, आसान भी है, डिफिकल्ट भी है, मतलब पर तुमको करनी है। देखो सीधी सी बात ये है, अगर करोगे तो एग्जाम तक तुम्हारा सारा डर निकल जाएगा और तुम अपना मैक्सिमम आउटपुट देके आ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो वही है जो मैंने बोला, भाई अगर एग्जाम का डर निकालना है ना तो भर भर के मॉक टेस्ट दो, बहुत सारे मॉक टेस्ट दो। अरे चाहे कितने भी कम नंबर आए, चाहे कितनी भी नर्वसनेस हो, प्रॉपर जाके जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो या घर पे मॉक टेस्ट तुम्हें देना स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो हमारा ना ये दिस इज ट्रू इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन लाइफ कि तुम्हें जिस चीज से डर लगता है ना उसको जब तुम करते हो ना तो उसका डर निकल जाता है। वो था ना एक डायलॉग बड़ा प्यारा सा माउंटेन ड्यू का कि डर से मत डरो, डर के आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है। तो यार ये बचपन में ना मेरे को भयंकर मोटिवेट करती थी वाली लाइन, है ना, मुझे जिस भी चीज से डर लगता था ना। तो इसका सीधा सा मीनिंग है जिससे डर लग रहा है वो करो यार। तो अगर एग्जाम से डर लग रहा है बहुत सारे एग्जाम दो। देखो हमारे ना डरने की भी एक लिमिट होती है बॉडी की ना। अब तुम्हें जिस चीज से डर लग रहा है अगर तुम बार बार करते रहोगे बॉडी भी बोर हो जाती है, यार बहुत हो गया मैं नहीं डरने वाला, क्या है एग्जाम ही तो हर रोज देते हैं यार, इसमें डरने वाली क्या बात है हमारी। तो ये चीज एक ध्यान रखो यार कि एग्जाम अपन को भर भर के देने और रोज देने ना। तो इसको अंडरलाइन कर लो, तुम्हारे कोचिंग में जितने भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं, हर वीकली हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, तुम्हें रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं, इसको कर लो भाई अंडरलाइन। अगले अपन कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं जिस पे तुम ध्यान दे सकते हो। तो पहला तो ये हो गया हमको भर भर के मॉक टेस्ट देने, भर भर के, है ना, कोई भी मॉक टेस्ट को मिस नहीं करेगा। मॉक टेस्ट को मिस करने का एक रीजन ये भी हो जाता है ना, वो दिमाग बहाने बनाता है कि यार मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई, अभी मेरी पढ़ाई ना परफेक्टली नहीं हुई, 100% नहीं हुई है, जब 100% हो जाएगी तब दूंगा। 100% कभी नहीं होती, जो AIR में लाता है ना उसकी भी नहीं होती है, हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। भाई तुमने जितनी करी है उसी दम पे तुमको जाके मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है। ये एक पैरेलल प्रोसेस है जो साथ साथ चलती है और तुम्हारी ग्रोथ होती है। अगर नहीं दोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं होगा। तो एग्जाम देना है, रोज देना है, बहुत सारे देने, रोज नहीं देना मतलब जितने हो रहे उतने देने, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। अगली चीज, ये चीज सबको बताए पर कोई फॉलो नहीं करता ना, सब बोलते हैं अरे यार ये तो बाबा लोगों वाली बातें हैं, बड़े बड़े लोगों वाली बातें, यार अपन कहीं कर पाएंगे ना, अपन कहीं करेंगे, अपन कहा क्यों नहीं करोगे भाई, इतने कौन सा बिजी हो गए दिन में 5 मिनट नहीं मिलते। अबे भाई अगर कोई इंसान कह रहा है ना उसके जीवन में 5 मिनट नहीं है तो बिल्कुल फर्जी आदमी है, बर्बाद कर रहा है वो समय, उसे समय टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है ना। 5 मिनट सबके पास होते हैं, तो दिन के 5 से 10 मिनट निकाल के गाइडेड मेडिटेशन, है ना। अब तुमको सर मेडिटेशन नहीं आता, अरे भाई सीखो, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट बीइंग प्रेजेंट। तुम अपने साथ रहते हो, तुम सारे डिस्ट्रेक्शन, सारे एंटरटेनमेंट, सारी चीजों को कट कर देते हो, तुम अपने आप को, है ना, यू ट्राई टू लाइक, तुम्हारे जो थॉट्स है ना वो दिन भर तुम्हारे दिमाग में आते रहते हैं, जाते रहते हैं ना। तो एक बार उनको बैठ के ऑब्जर्व तो करो, उससे इतनी ज्यादा हेल्प मिलती है एंड इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, है ना। और ये कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक बार दो बार करना है, दिस इज ए, ये एक हैबिट है जो थ्रू आउट द लाइफ हमको करनी होती है ना। वो जो 5 या 10 मिनट जो तुम मेडिटेट करते हो ना, काम करते हो ना, इट्स नॉट अबाउट दोस 5 मिनट्स, वो 5 मिनट्स आर लाइक तुम्हारी मेंटल एक्सरसाइज, वो तुमको
बाकी का जो 24 घंटे तुम जो दिन चल रहा होता है ना उसमें बहुत हेल्प करते हैं। इट्स लाइक यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन कि भाई उस पर जो भी थॉट्स आते हैं उनके साथ इंगेज ना करें, है ना, और उसको ऑब्जर्व करें और हम काम रहें। तो ये अगर तुम हैबिट अभी से डेवलप करोगे ना तो ये एग्जाम हॉल में तुम्हारे बहुत काम आने वाली है ना, क्योंकि एग्जाम हॉल में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम नर्वस हो जाते हैं, बहुत सा डर लग रहा है। अब तुमने कभी दिमाग की एक्सरसाइज करी नहीं आने वाली, तो तुम्हारा दिमाग कंट्रोल रहेगा, फिर वहां पे घबराहट होगी, फिर बॉडी में अजीब अजीब से रिएक्शन हो रहे होंगे, इमोशन आ रहे होंगे, पसीने छूट रहे होंगे, पेट में कुछ कुछ हो रहा होगा, सांसें तेज चल रही होंगी। पर अगर अभी से तुम ये चीज चालू कर दोगे तो तुम कर पाओगे एग्जाम हॉल में, क्योंकि फिर तुम्हारे थॉट्स और जो बॉडी के रिएक्शन है वो तुम्हारे कंट्रोल में होंगे। ये मैजिकल, इट इज मैजिकल एंड यू शुड स्टार्ट डूइंग इट, है ना। और इसमें ये नहीं बोलना कि बड़े लोगों वाली बात है, बाबा लोगों वाली बात है, नहीं भाई, अगर बड़े लोगों वाली बात भी है तो करो ना। तुम क्या छोटा आदमी हो, तुम्हें क्या छोटा रहना है पूरे जीवन में? अरे बड़ा बनना है ना, तो करना है यार, ये तो करना है ना। और 5 मिनट का समय सबके पास होता है, यूट्यूब पे जाओ, 5 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन लगाओ, करो। नहीं तो मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे शेयर करता रहूँगा हर रोज, है ना, जो कुछ वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना, जिनको मैं खुद करता हूँ वो तुम्हारे साथ शेयर कर दूँगा, उनको तुम कर सकते हो ना। टेलीग्राम आईडी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो याद रखना ये 5 मिनट अभी के 5 मिनट की बात नहीं है, ये पूरे 24 घंटे तुम्हारा सही रखते हैं ना। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, विच इज द मेंटल एक्सरसाइज, है ना, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें भाई कुछ फिजिकल रिलेट से तुम्हें मैराथन रन करना है तो तुम पहले अपने आप को प्रिपेयर करोगे ना फिजिकली, रोज जाके दौड़ोगे ना, तो वैसे ही यार तुम्हें एग्जाम हॉल में जाना है। तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम्हें नर्वसनेस फील होती है, तुम्हें प्रेशर फील होता है, स्ट्रेस होता है, और तुम मेंटल एक्सरसाइज भी नहीं करो, बस तुम इस बारे में रोए जा रहे हो। रोने से तो हेल्प नहीं मिलने वाली है, यू विल हैव टू टेक एक्शन। मैंने कहा था ना तुम एक्शन नहीं लेते, अगर तुम एक्शन लेना चालू कर दो अभी से, यू कैन डू इट इंडीड। ये एक काम ये करो ना, इस वीडियो के बाद जाके करो ना, डू इट आफ्टर दिस वीडियो, 5 मिनट का एक लगाओ और करो। 5 मिनट यार, 5 मिनट किसके पास नहीं होते, आंखें बंद करो, ईयरफोन लगाओ, सिट साइलेंटली। और अगली चीज यार है ना, लॉन्ग ब्रेथ की पावर को कमजोर मत समझना ना, जब भी स्ट्रेस फील हो। आई थिंक अगर तुमने अभी तक नहीं करा, ट्राई दिस, है ना। अभी भी यार रिलैक्सेशन फील होता है ना, जब तुम्हारी जो सांस होती है वो सिर्फ छाती से बाहर नहीं आनी चाहिए ना, उसको पेट तक लेके जाओ, मुंह से छोड़ो, यू फील रिलैक्स, है ना। बॉडी में बहुत सारी ऑक्सीजन जाती है, बॉडी को अच्छा लगता है ना। तो अगर हो रहा है इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है ना। तो एग्जाम के पहले जब एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, तब भी वो बड़ा नर्वस वाला टाइम होता है ना, तो उस समय कुछ कर सकते हो ना, लाइक 5 और 10 ब्रेथ्स, वो भी बहुत हेल्प कर देती है। उसके बाद पेपर दे रहे हो, अगर उसमें एकदम से नर्वसनेस फील होती है ना, तो बी काम। और अगर तुम मेडिटेट कर रहे हो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट, है ना। टेक लॉन्ग ब्रेथ, है ना, और माउथ से छोड़ो, है ना। और जब इसके ब्रेथ के साथ अपना फोकस भी ब्रेथ पर रखना है, इट्स नॉट लाइक दिमाग में कुछ भी चले जा रहा है, कॉन्शियस होकर ब्रेथ्स लेनी होती है ना। इट्स नॉट लाइक बस ऐसे ऐसे कर रहे हैं और दिमाग कुछ भी सोच रहा है, नहीं ना, फोकस होने ब्रेथ, है ना। इट्स लाइक दिमाग को इधर उधर से हटाना है और अपने अंदर लाना है, प्रेजेंट करना है ना, तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में आना है, पास्ट और फ्यूचर से बाहर निकलना है कि एग्जाम हॉल के बाद क्या होगा, कल मेरे साथ क्या होता, ये सब नहीं सोचना है यार। अगली बात, बी इंटेंसली प्रेजेंट वाइल सॉल्विंग पेपर। ये अगली चीज बड़ी दिक्कत है ना, कि पेपर सॉल्व करते हुए भी सोच रहे होते हैं यार पेपर से जाने के बाद क्या होगा यार, रिजल्ट क्या आएगा, इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, मेरे वाला क्वेश्चन सही होगा नहीं होगा, यार मैं वाला चैप्टर पढ़ लेता कल मेरे साथ ये हो गया। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, मतलब इतना तो लॉजिक हर एक इंसान के अंदर होता है कि अगर तुम्हें उन 3 घंटों में मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं तो अपना 100% देना पड़ेगा ना, तुम्हें 100% प्रेजेंट होना पड़ेगा ना। तो ये चीज समझो, तुम्हें कंप्लीटली एग्जाम हॉल में रहना है, उस समय तुम्हें उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं कि एग्जाम के बाद क्या होने वाला है यार, तुम्हें कंप्लीटली तुम्हारा टारगेट है जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है उस पर फोकस करो। इंडीड एग्जाम हॉल पे ही नहीं, उस वक्त तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो, उस वक्त मान लो तुम क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हो फिजिक्स का, तो अभी तुम्हारा फोकस अगले 1-1.5 मिनट के लिए उस क्वेश्चन नंबर 33 पे होना चाहिए। 32 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, मतलब नहीं, आगे क्या है उससे मतलब नहीं, क्योंकि तुमने एक प्लान बना लिया ना कि मैं इस ऑर्डर में अपने बताए अपने सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने वाला हूं, इतने टाइम में ये अटेम्प्ट करने वाला हूं। अब तुमने एक प्लान बना लिया, अब जो 1 मिनट तुमने इस क्वेश्चन को दिया है वो 1 मिनट पूरा उस क्वेश्चन में जाना चाहिए। इससे सिली मिस्टेक्स की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है, क्योंकि हम 100% प्रेजेंट होते हैं, हमारा पूरा ध्यान पूरा अटेंशन उस वक्त उस एक चीज पे होता है, तुम्हारे सिली मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे, तुम अलर्ट रहोगे। याद रखना ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सिर्फ तुम्हारी सब्जेक्ट नॉलेज चेक नहीं करते, वो देखते हैं कि यार कम टाइम में जब प्रेशर होता है उस समय भी तुम किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो ना, तो वो तुम्हारी बहुत सारी क्वेश्चन अलर्टनेस पे डिपेंड करते हैं ना। अगर तुम अलर्ट रहते हो तो तुम एग्जैक्टली देख पाते हो कि यार क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई है, मुझे ये मार्क करना है, कुछ और नहीं करना, वरना कई बार पूछते कुछ हम कुछ और मार्क कर देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं होते, हम आगे पीछे कुछ भी सोच रहे होते हैं। और ये चीज ना ट्रेनिंग करने से आती, जब तुम इसके बारे में कॉन्शियस होके ट्राई करोगे, अगला मॉक टेस्ट जब जाओ तो इन चीजों पे ध्यान रखना, जब तुम ध्यान दोगे तो तुम इसको कर पाओगे, है ना। अगर कोशिश नहीं करोगे तो फिर इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला, तुम इस साल भी रोगे, अगले साल भी रोते रहोगे कि यार स्ट्रेस होता है, यार डर लगता है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व हो जाएगी, उसके लिए एक्शन लेने पड़ेंगे, आज ये बता रहा हूं, स्टार्टिंग एक्शन, है ना, 100% फोकस टू द करंट क्वेश्चन। अगली बात भाई ये तो पता ही है ना, पहले अगर ये सारी चीजें फॉलो कर लोगे
तो काम रहोगे, और काम रहोगे ना तो कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं अपना ना कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में कम नहीं होने देना, ये वाली चीज मैंने बार बार बताई है। यहां तक कि ये मान के चलो वर्स्ट केस सिनेरियो कि तुमने पहला क्वेश्चन पढ़ा नहीं हुआ, दूसरा पढ़ा नहीं हुआ, तीसरा पढ़ा नहीं पढ़ा, चौथा पढ़ा नहीं हुआ, पांचवा नहीं हुआ, अगर ऐसा भी हो जाए ना तो भी सोचो अभी तो पूरा पेपर बचा है। अपना कॉन्फिडेंस देखो, तुम्हारा दिमाग ना वो करता है जो तुम उससे बोलते हो। अगर तुम उससे इस समय ये बोलने लगे ना पांच क्वेश्चन नहीं हुआ अब तो मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर वो मान लेगा और वही होगा फिर तुम्हारे साथ। पर अगर तुम कहोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पांच क्वेश्चन से अभी पूरा पेपर बचा है, मैं पूरा करने वाला हूं, तो मैं एग्जाम हॉल के अंदर अपना कॉन्फिडेंस नहीं हिलने देना। अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऐसा रखना कि भाई AIR1 तो मैं ही लेके आ रहा हूं। उस 3 घंटे तो तुम्हें यही सोचना है, उस समय तो तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस पूरा टॉप पे रखना है। जब तुम कॉन्फिडेंस टॉप पे रखोगे ना तो तुम अपना मैक्सिमम दे पाओगे। तुम्हारा जो भी कैलिबर है, तुमने जो भी प्रिपरेशन करी है, तुम अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे। और कॉन्फिडेंस डाउन कर लिया तो जितना तुम्हारा कैलिबर अगर इतना था तो इतना आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है ना। तो अभी तुम्हारे पास वक्त है, अभी एग्जाम में थोड़ा समय है, इन 5 चीजों पर ध्यान देना चालू करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड मेक श्योर यू फॉलो इट, है ना। उसके अलावा एक अच्छी न्यूज है, जो